हेलो एवरीवन, आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये टॉपिक है हाई लो मेथड विद चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। हमने अपनी पिछली वीडियो में सिंपल हाई लो मेथड का क्वेश्चन देखा था, आज हम देख रहे हैं हाई लो मेथड विद चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट। इस चीज को समझने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कंपनी है जिसके टू एक्टिविटी लेवल्स हैं, एक्टिविटी लेवल वन पे 21,000 यूनिट्स और एक्टिविटी टू पे 30,000 यूनिट्स, कॉस्ट है 276,000 और 327,000। कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉल कर जाएगा 0.5 से अगर 24,000 यूनिट से एक्सीड करेंगे तो। आगे कहता है बट ओनली फॉर यूनिट अबाउ दैट लेवल। ये जो फॉल है वो सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगा, 24,000 के अबाउ पे। बिलो 24,000 या 24,000 पे अप्लाई नहीं होगा, अबाउ 25,000 पे अप्लाई होगा। अज्यूम करें अगर हमारा एक्टिविटी लेवल 25,000 यूनिट्स है तो 24,000 यूनिट्स पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट फॉल नहीं करेगी, सिर्फ 1,000 यूनिट्स ऐसे होंगे जिस पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रही होगी। इसी तरीके से अगर हम एक्टिविटी अज्यूम करें 27,000 तो 24,000 यूनिट्स पे हमारी कोई वेरिएबल कॉस्ट फॉल नहीं करेगी, 24,000 से जो एक्सीड यूनिट है यानी 3,000 यूनिट्स पे हमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रही होगी $0.5। फिर आपको सवाल में कहता है कि आप टोटल कॉस्ट निकालो अगर हम कितने यूनिट्स बना लें, 28,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें। आपको कहता है टोटल कॉस्ट निकालो इफ 28,000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड, या आपका एक्टिविटी लेवल 28,000 यूनिट्स होगा तो आप टोटल कॉस्ट निकाल के दें। अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है 28,000 यूनिट्स की। आपको बताया कि जब भी कोई भी सवाल हो, आपको सवाल में कोई भी रिक्वायर्ड दी हुई हो हाई लो मेथड के, सबसे पहले आपको एलिमेंट निकालना है वेरिएबल कॉस्ट का, देन आपको निकालना है फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट। वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट फर्स्ट निकलता है, देन किसका एलिमेंट निकलता है, फिक्स कॉस्ट का। लेकिन यहाँ हम वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों भाई? इसकी वजह यह है कि क्योंकि अकाउंटिंग में कंपेरिजन होता है लाइक विथ लाइक। जो हाई लो मेथड में कंपैरिजन करेंगे वो लाइक विथ लाइक करना, यहाँ पर लाइक विथ लाइक कंपैरिजन के लिए डेटा अवेलेबल नहीं है। 21,000 एक्टिविटी ऐसी है जिसपे कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ और 30,000 की एक्टिविटी ऐसी है जिसपे हमारा डिस्काउंट अप्लाई हुआ। एक एक्टिविटी ऐसी है जिसपे कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ और एक एक्टिविटी ऐसी जिसपे डिस्काउंट अप्लाई हुआ हुआ। अब एक काम करते हैं, अब जरा देखें, अगर मैं 30,000 यूनिट्स की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, 30,000 यूनिट्स की बात करूं, तो 30,000 यूनिट्स पे, 30,000 यूनिट्स पे मेरी कॉस्ट कितनी है, 327,000। 30,000 यूनिट्स पे मेरी कॉस्ट है $327,000। सर 30,000 यूनिट्स में मैंने 6,000 यूनिट्स ऐसे होंगे जिसपे 0.5 का डिस्काउंट अवेल किया होगा, 24,000 तक तो डिस्काउंट मिलता ही नहीं है। एडिशनल 6,000 यूनिट्स ऐसे होंगे जिसपे मुझे 0.5 का डिस्काउंट मिला होगा, यानी डिस्काउंट की अमाउंट कितनी होगी, 3,000। ये हमारी 327,000 की अमाउंट जो है वो आफ्टर डिस्काउंट है, इससे डिस्काउंट डिडक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं इसमें डिस्काउंट का एलिमेंट शामिल कर लूं और मैं अपनी कॉस्ट निकाल लूं बिफोर डिस्काउंट, तो बिफोर डिस्काउंट मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, $330,000। अगर मैं डिस्काउंट का एलिमेंट हटा दूं अपनी टोटल कॉस्ट से, अगर मैं डिस्काउंट का एलिमेंट हटा दूं अपनी टोटल कॉस्ट से, तो अब जो एक्टिविटी लेवल 21,000 है इस पे भी कोई डिस्काउंट नहीं अप्लाई हुआ हुआ, और ये जो 30,000 यूनिट्स है इस पे भी अब कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ हुआ। डिस्काउंट अब हटाने के बाद जो कॉस्ट आ रही है, डिस्काउंट का इफेक्ट हटाने के बाद जो कॉस्ट आ रही है वो है 330,000। अब कंपैरिजन लाइक विथ लाइक अवेलेबल है हमारे पास, 30,000 यूनिट्स ऐसे हैं जिस पे हमने डिस्काउंट का एलिमेंट हटा चुके, अब हमारी कॉस्ट हो गई 330,000। सॉल्व करना शुरू करते हैं, हाईएस्ट कॉस्ट 330,000 डिस्काउंट का इफेक्ट हटाने के बाद, लोएस्ट कॉस्ट 276,000 डिवाइड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी 30,000 माइनस लोएस्ट एक्टिविटी 21,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी रुपीस और डॉलर जो आप लेना चाहे, करेंसी $6 पर यूनिट।
अब आपके पास आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई $6 पर यूनिट, ये जो आपने अमाउंट ली है इस पे डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ, तो ये विदाउट डिस्काउंट अमाउंट है, तो आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट भी जो होगी वो विदाउट डिस्काउंट आ रही होगी। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट पे डिस्काउंट अप्लाई करूं तो आफ्टर डिस्काउंट मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, $6 का पर यूनिट है, 0.5 का डिस्काउंट अप्लाई करूं तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 5.5 पर यूनिट। डिस्काउंट का इफेक्ट लगाने के बाद वेरिएबल कॉस्ट होगी 5.5, क्योंकि ये कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट थी, तो जो वेरिएबल कॉस्ट का जो आंसर आया वो भी विदाउट डिस्काउंट आया, जो वेरिएबल कॉस्ट का आंसर आया वो भी विदाउट डिस्काउंट आया। अगर वेरिएबल कॉस्ट डिस्काउंट वाली निकालना चाहूं तो वेरिएबल कॉस्ट डिस्काउंट वाली आपने निकाल ली कि डिस्काउंट के बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट डिस्काउंट के बाद आ रही है 5.5, 0.5 आपने माइनस कर दिया, जो वेरिएबल कॉस्ट में फॉल आ रहा था वो आपने माइनस कर दिया, जिसके बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 5.5 पर यूनिट। अब हम निकालने जा रहे हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब यहां पर आप टोटल कॉस्ट ले लें 2,76,000, आपकी मर्जी अब हायर कॉस्ट लोअर कॉस्ट में, मेरी प्रेफरेंस वैसे लोअर कॉस्ट है आपके लिए, क्या आप टोटल कॉस्ट कौन सी ले लें, लोअर वाले। फिक्स कॉस्ट आपको मालूम करनी है, टोटल कॉस्ट आपने ले ली 276, फिक्स कॉस्ट आपको मालूम करनी है, वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाल ली 6। मैंने वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट क्यों ली, क्योंकि मैंने जो है अमाउंट विदाउट डिस्काउंट वाली ली है, मैंने टोटल कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट वाली ली है, तो अब मैं वेरिएबल कॉस्ट भी कौन सी लूंगा, अब मैं वेरिएबल कॉस्ट भी कौन सी लूंगा, विदाउट डिस्काउंट वाली ले रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट ले रहा हूँ, क्योंकि 2,76,000 के अमाउंट पे कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 21,000 यूनिट्स, क्योंकि जब 2,76,000 की कॉस्ट है तो यूनिट्स कितने, 21,000। जब $6 जो अपना 2,76,000 की कॉस्ट पे यूनिट्स कितने, 21,000, और 21,000 यूनिट्स पे कोई डिस्काउंट नहीं है, 24,000 एक्सीड करने पे डिस्काउंट। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, 276 = फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट आपको निकालना है, 6 × 21,000 जब आप करेंगे तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1,26,000। 276 में से 126 माइनस हो जाएगा, 276 में से 126 माइनस हो जाएगा, तो आपकी फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट आपको मालूम पड़ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई 1,50,000, फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद हम सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट क्या, सवाल की रिक्वायरमेंट में कहता है आप टोटल कॉस्ट निकाल दो, आप टोटल कॉस्ट निकाल दो अगर 28,000 यूनिट्स होंगे। अब चाहे टोटल कॉस्ट 20 कोई भी यूनिट्स हो, आपको फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही बियर करनी है भाई, फिक्स कॉस्ट तो आपकी वही 1,50,000 रुपए। आपको पता है टोटल कॉस्ट आपकी कैसे निकलती है, y = a प्लस बी एक्स, आपको y निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, a प्लस बी एक्स, a फिक्स कॉस्ट, b बोलते हैं bx वेरिएबल कॉस्ट के लिए एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, जिसके लिए फिक्स कॉस्ट आपने वही ले ली 1,50,000 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट को आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 24,000 यूनिट्स इनिशियली वो है जिसपे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,44,000 यूनिट्स के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आएगी $6 के हिसाब से, और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी इनिशियल 24,000 यूनिट्स की $6 के हिसाब से कॉस्ट आ गई 1,44,000। आपने 28,000 यूनिट्स या 28,000 एक्टिविटी की कॉस्ट निकालनी है, जो फर्दर 4,000 यूनिट्स हैं उस पर आपको डिस्काउंट मिला होगा वेरिएबल कॉस्ट पे, और आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 5.5। जब आप 4000 मल्टीप्लाई 5.5 करेंगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट आ जाएगी, जो वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट आई वो है 22,000। आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जब इन दोनों कॉस्ट को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 144 प्लस 22, तो कितना हो जाएगा 1,66,000।
जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 150 + 166, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 316,000। इंशाल्लाह मजीद इस टाइप का डेटा आपके साथ डिस्कस करेंगे। कनेक्ट रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।